जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिला बांडीपुरा के नजन सोनाबारी क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल रशीद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की और क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने नेताओं को क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया। बांडीपुरा से प्रिंस अयाज की रिपोर्ट। क्या किया यहाँ पर एनसी ने? ऑटोनॉमी के नाम पर लोगों को 75 साल से बेवकूफ बनाया पीडीपी ने। जो भी कश्मीर में हालात थे फ्रॉम लास्ट 35 और सबके मतलब सामने वो जाहिर है। इन्होंने 35 साल में क्या किया कश्मीर के साथ, मुझे बताइए। कोई ऐसा मतलब कानून जो इन्होंने यहाँ पर लागू न किया हो जिससे लोगों को तंगी ना आई हो, जिससे लोगों पे जुल्म न हुआ हो। चाहे वो इन्होंने पोटा लाया, चाहे इन्होंने टाड़ा लाया, चाहे इन्होंने यहाँ पर इकफान लाया, चाहे टास्क फोर्स लाया, कौन सा जुल्म इन्होंने छोड़ा है जो इन्होंने कश्मीरियों पे नहीं किया? एक कुर्सी के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, चाहे वहां सेंटर में कांग्रेस थी या बीजेपी थी, यहाँ पर बीजेपी को भी पीडीपी ने ही रास्ता दिखाया। अब महबूबा जी कह रही है कि जी हमने इसलिए किया था ताकि यहाँ पर मतलब अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके, इसलिए हमने इनके साथ मतलब मिलकर गवर्नमेंट बनाई। उनको किसने बोला? जिस आवाम ने उनको जिताया, जिस आवाम ने वोट देकर महबूबा जी को जिताया, पीडीपी को जिताया, क्या उस आवाम से उन्होंने पहले मशवरा किया मैं बीजेपी के साथ हाथ मिलाऊं कि नहीं मिलाऊं? ये मगरमच्छ के आंसू छोड़ दे, मैं कश्मीरी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को कहता हूं कि आप इन पे भरोसा मत करो, बहुत हो गया। अपने इलाके से अपना नुमाइंदा चुनो जिसपे आप लोग भरोसा कर सको और उसको सामने लाओ ताकि वो कल को अपना जमीर न बेचे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों खुद को न बेचे और आप लोगों के साथ फिर से इस्तेमाल न करे। यहाँ पर ये मतलब स्टैंडर्ड वापस लेने की कोशिश की गई, मैंने उस टाइम भी बोल चुका हूँ कि गवर्नमेंट ये वाजिया करे, क्योंकि जब बिल्डोजर चलाए गए मैंने किसी मगरमच्छ के ऊपर वो बिल्डोजर चलते हुए नहीं देखा, गरीबों पे ही फिर से जुल्म होने लगा था। उनको किस लिए है? क्या इस लैंड को हमारी आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ के यूथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कि यहाँ पर इन्होंने सैटेलाइट कॉलोनीज बनानी है ताकि बाहर के लोगों को वहां पर बसाएं?